गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, मिस्टर टाउन तकरीबन सारा ही है। अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। खाने पीने की अशिया आपके जो फार्मेसीज हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी। तो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेदन कर देंगे कमिश्नर साहब, और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अगर मैं सिर्फ लेट्स से अलामा इकबाल टाउन की एरियाज में नहीं बताना चाह रही आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं, 358 केसेस। जौहर टाउन, ये चले बता देते हैं जौहर टाउन का इलाका, वाबा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा कि लोगों ने अगर SOPs फॉलो किए होते तो इतनी बड़ी तादाद मरीजों की ना होती। हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसको इसका जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोले, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाजत मिलेगी। कोरोना वबा में इजाफा, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक टेस्टिंग ट्रेसिंग और क्वारंटाइन हिकमत अमली के तहत मुल्क के 20 शहरों की निशानदेही कर ली गई। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मुल्क के कई इलाकों में मजीद सख्त इकदाम